मस्जिद में बल्कि मंदिर में और ध्वनि प्रदूषण को लेकर किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? नहीं, जब लाउड स्पीकर की बात आती है तो भारत जो है वो किसी मुस्लिम देश की तरफ क्यों देखने लगता है? वो अमेरिका की तरफ क्यों नहीं देखता? वो ब्रिटेन की तरफ क्यों नहीं देखता? इसको मुस्लिम देशों से जोड़ने की क्या जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन मुस्लिम देशों का जिक्र करके या उनका उदाहरण लेकर के यहाँ पे ये चीजें इम्प्लीमेंट करने पे बहस छेड़ी जाती है, वो सारे राजतंत्रात्मक देश है। वहां राजशाही है, लोकतंत्र नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के हिसाब से चीजें चलती हैं। दूसरी बात है कि ध्वनि प्रदूषण पे क्या होना चाहिए, ये एक बड़ी बहस है। और इस बहस में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, इस बहस में हर कम्युनिटी, हर वर्ग, हर धर्म शामिल है। अपने अपने तौर पे सब ध्वनि प्रदूषण का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद माइक नहीं चल सकता, आप देखें कि सरकार उसको कहां लागू करवा पा रही। आप दिल्ली रहते हैं, मैं भी दिल्ली रहता हूं, इसी दिल्ली में तमाम त्योहार ऐसे गुजरते हैं, किसी भी धर्म के हों। आपने देखा है कि रात के 12 बजे 1 बजे यात्रा जा रही है या फिर जुलूस जा रहा है, तो उसमें 2-2 बजे तक डीजे बज रहे हैं और जोर शोर से बज रहे हैं और प्रमुख तौर से दिल्ली में बज रहे हैं। ऐसे में सरकार जो पहले से कानून बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन कहां करवा पा रही है? नया कानून लाना या उस पर बहस करवाना तो एक बात का विषय है। जो आपके पास पहले से कानून मौजूद है, जो गाइडलाइन मौजूद है, जिस दिन सरकार उसका पालन करवा लेगी, उसके बाद उसको किसी मुस्लिम देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फालतू की बहस पैदा करने की कोशिश है चुनावी टाइम में। हम कह रहे हैं अगर आप बैन करना चाहते हैं तो आप 10 बजे के बाद बैन कर दीजिए, कोई भी कार्यक्रम ना हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई जुलूस किसी भी धर्म का ना हो। सीधे सीधे ध्वनि प्रदूषण के मामले में आप भूल जाएं कि देश में कोई धर्म या धर्म से जुड़ी कोई चीज है। आप बिल्कुल क्लियर कह दें कि 10 बजे के बाद माइक नहीं चलेगा, लेकिन पालन कहां हो पा रहा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइन। तो फेल्योर सरकार का है, किसी नए कानून की जरूरत से ज्यादा पुराने कानून को लागू करवाने की जरूरत है। थैंक यू।